हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेली में अपने कंपनी के अंदर मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे, किस तरह बनाया जाता है। तो मैं आप सबको बनाकर दिखाता हूँ कि मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज किस तरह बनाया जाता है। तो इससे पहले मैं सिंगल स्टॉक कैटेगरीज आपको बताया था, आप लोग जाकर मेरे चैनल में देख सकते हैं जो बनाया था, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल में जाकर। तो सबसे पहले देख सकते हैं मेरा अपना कंपनी ओपन कर लेना है, जैसे मेरा मुनीस के नाम से ओपन है। उसके बाद यहाँ पे साइड में देख सकते हैं लिखा हुआ है अकाउंट्स इन्फो, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग इसके नीचे आएंगे, अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा हुआ है इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, स्टॉक कैटेगरी स्टॉक ग्रुप्स लिखा है, स्टॉक ग्रुप्स के नीचे हमारा लिखा हुआ है स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक कैटेगरीज। और आपके टेली में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग यहाँ से अनेबल करा सकते हैं, F11 और F3 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करेंगे तो F11 और F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप लोग अपना स्टॉक कैटेगरीज, मैं यहाँ पे यस हो चुका है, आप लोग भी यहाँ से अनेबल करा सकते हैं अगर आपके टेली में ओपन नहीं हो रहा होगा तो। तो चलिए हम आप सबको बताते हैं स्टॉक कैटेगरी किस तरह बनाया जाता है। स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, सिंगल स्टॉक कैटेगरी आप सबको पहले वीडियो में बताया था ना किस तरह बनाया जाता है, इसमें हम बताएंगे मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए क्रिएट पे क्लिक करते हैं और इसमें रहेगा ऑल आइटम्स, और यहाँ पे नेम ऑफ कैटेगरी, जिस नाम से हम अपना कैटेगरी नाम बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मोनीटर के नाम से बना रहा हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, बना हुआ है मोनीटर, मोनीटर प्राइमरी यहाँ पे रहेगा हमारा। उसके बाद सीपीयू कर देते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, दूसरा नाम ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि पहले से ही सीपीयू के नाम से बना हुआ है हमारा। हम लोग कर देते हैं पेन के नाम से बनाते हैं, प्राइमरी रहेगा यहाँ पे अंदर में प्राइमरी। उसके बाद पेन मोबाइल कर देते हैं, मोबाइल अंडर में रहेगा प्राइमरी। इतना ही आप सबको मैं करके बताता हूँ, नहीं तो ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल प्लस ऐसे इसको सेव कर देंगे, और सेव किए तो आप सब डिस्प्ले में यहाँ पे नीचे क्रिएट के नीचे लिखा हुआ है डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग आ गया, देख सकते हैं मोबाइल CPU मोनीटर माउस पेन अभी बनाया था जो आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको डिलीट कर अगर करना हो तो अल्टर में आकर आप सब डिलीट कर सकते हैं इसको। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि गोडाउन के बारे में बताएंगे, गोडाउन क्रिएशन। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।